नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। हम लोग आज एक पुनीत कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं और इस पुनीत कार्य का पूरा श्रेय डॉक्टर सोमू सिंह जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस COVID-19 के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जो केवल जन सामान्य को ही शिक्षित नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम पूरे देश से प्रमुख शिक्षाविदों के और उनके एक्सपर्ट से हम उनके ज्ञान को से परिचित करा रहे हैं और वे उनके ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में और अपने स्किल डेवलपमेंट में कर पाएंगे। तो मैं डॉक्टर सोमू सिंह जी को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ उनके इस पुनीत कार्य के लिए। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, शायद उनका भी एक ऐसा ही उद्देश्य था कि जिसमें हमारी कोई भी स्वार्थ न हो, बल्कि उस स्वार्थ से अतिरिक्त हमारे पास एक ऐसा विजन हो, लक्ष्य हो, एक ऐसा उद्देश्य हो जिसके आधार पर हम भारतवासियों की सेवा कर पाए। तो निश्चित रूप से हम अपने प्रथम जिनके संबंध में आज यह लेक्चर आयोजित है, उनको मैं स्वामी विवेकानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मेरे विषय का जो टॉपिक है वह है स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, और मैंने उनके संदेश को उनके जीवन से जोड़ के देने का प्रयास किया है। यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि यह संदेश हमारे लिए आज भी उतने ही जरूरत के लिए है जितनी जरूरत उस समय थी। निश्चित रूप से हमारे स्वामी विवेकानंद जी प्रतिभा बहुमुखी थे, मानवता के वे थाती थे, और वे ऐसे अनजाने व्यक्तित्व के रूप में विश्व के सामने प्रकट होते हैं जब उन्हें कोई नहीं जानता है। एक चिर युवा जो केवल 39 वर्ष 5 माह और 24 दिन ही इस संसार में जीवित रहा, लेकिन उनका यदि हम इसमें से भी दर्श बस का उत्साहजनक कार्य देखें तो वह भारत को ही नहीं, विश्व को अपनी संदेश के माध्यम से एक ऐसे उच्च शिखर पर ले जाते हैं जिससे विश्व एक मानव कल्याण के लिए लालायित हो उठता है। आज COVID-19 के संबंध में भी विवेकानंद फिर से जीवित हो उठते हैं और मानव के कल्याण के लिए बात करना शुरू कर देते हैं। निश्चित रूप से ऐसे चिर युवा जो निरंतर युवा ही था और आज भी युवा के रूप में माना जाता है, और युवा ही उनके केंद्र हैं, और भारत सरकार ने युवाओं के आइकॉन उनको घोषित किया है, और इस 10 वर्ष के जीवन में उन्होंने उनका 11 सितंबर 1893 को वे विश्व पटल पर उपस्थित होते हैं जब लगभग उनकी आयु 29 वर्ष की होती है, और 39 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो जाता है। कई शताब्दियों तक विचार इनके आगे मानव कल्याण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। यदि हम इसे अपने शब्दों से अतिरिक्त अपने रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहें, तो यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन करें। यदि भारत को जानो और उन्हें पढ़ो, निश्चित रूप से विवेकानंद को जानना पड़ेगा। रोमिया रोला, मैक्स मूलर ने भी भारत को समझने के लिए विवेकानंद को का सहारा लिया। और यदि हम पंडित नेहरू के शब्दों में कहें तो कहते हैं कि यदि आप स्वामी विवेकानंद की रचनाओं को और व्याख्यानों को पढ़ें तो वे एक विचित्र बात पाएंगे कि वे कभी पुरातन लगते ही नहीं। यदि वे कई वर्षों पहले, यदि उनकी बातें लगभग आज से 125 वर्ष पहले उनकी बातें जो कही थी आज भी तरोताज़ा लगती हैं,
इस कारण उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, वह विश्व की मूलभूत समस्याओं के हल के लिए लिखा। उन्होंने जो कुछ कहा वे आगे भी आने वाले लंबे समय तक वे हमेशा बनी रहेंगी और उनकी प्रभाविकता को हम स्वीकार करते रहेंगे। यदि हम देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भी इनके विचारों को आत्मसात करते हुए इनके पथ पर अग्रसर हो रहा है और हम सभी को इनके पथ पर भारत निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है। तो निश्चित रूप से उनके विचारों में केवल धर्म ही समाहित नहीं है, बल्कि दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, समाज सुधार, अर्थनीति, समाजवाद विचारधारा, नारी जागरण और तमाम इतने नाना प्रकार के विविध और मौलिक कालजयी विचार उन्होंने दिए हैं कि एक उन्होंने विश्व में एक नया युगांतर उपस्थित कर दिया। ये इन्हें इनके विचारों को विकसित करने में संभवतः कई शताब्दियां भी लगेंगी। इन शताब्दियों को में आने वाली शताब्दियों में अनेक इन विचारों से अनेक युग नायक प्रवर्तक पैदा होंगे, युग प्रवर्तक पैदा होंगे, युगाचार्य प्रवर्तक होंगे, विश्व विवेक, विश्व मानव, राष्ट्र निष्ठा, चीर विचार नायक, योद्धा, सन्यासी आदि कई पैदा होंगे इनके विचारों से। हम देखते हैं कि यदि भारत को अपना गौरव प्राप्त करना है, अपनी राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना है, तो आज उन्हें फिर विवेकानंद के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। आज यदि हम विवेकानंद के ही शब्दों में कहें तो वे कहते हैं, मैं घनीभूत भारत हूँ। स्वामी जी अपने जीवन तथा संदेश के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी परंपरा का अध्ययन कर दिया और ऐसे भारत आत्मा में डूब गए कि जिससे उन्होंने कहा, मैं एक घनीभूत भारत हूँ। और यह घनीभूत भारत जो है विवेकानंद के ओ आस पास जुड़ा है और उसी से इतना लिपटा हुआ है कि आज भी हमें विदेशी लोग विवेकानंद से विचारों से भारत को जानते हैं। अब हम आते हैं उनके उन संदेश के बारे में जब जो उन्होंने दिए और एक नए युग का शुरुआत किया, प्रारंभ किया। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 सितंबर 1893 की, जो मैंने पहले भी कहा, उसी समय वो विश्व पटल पर आते हैं। उसके पहले वो एक अनजाने से व्यक्ति होते हैं। वे ऐसे अनजाने से व्यक्ति होते हैं जिनका कोई जान भारत में भी उनकी जान नहीं पहचान नहीं होती है, भारत में भी वो कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी विवेक शक्ति होती है, एक ऐसा जागृत अवस्था पैदा होता है, जो उनके रामकृष्ण परमहंस गुरु ने कहा था, यह निश्चित ही नक्षत्रों में सप्त ऋषि नक्षत्रों का एक तारा है। वे सप्त ऋषियों में सबसे महान कहा था उन्होंने, और कहा था यह सप्त ऋषि नक्षत्र तारा ये पूरे विश्व को एक दिन एक रास्ता दिखाएगा। और विवेकानंद हमारे आप जैसे ही सामान्य मानव थे, उन्होंने सामान्य घर में पैदा हुए और सामान्य रूप से बले पड़े, लेकिन अपने उस उच्चतम ज्ञान अर्जन के द्वारा, ध्यान अर्जन के द्वारा, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के अर्जन के द्वारा और उसके विद्वतापूर्ण अध्ययन के द्वारा और उनके अनुभवों के द्वारा उन्होंने अपने को महान बना लिया। हम उस समय की भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत उस समय 1893 में हजारों वर्ष की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है और वह हजारों वर्ष की जंजीरों के कारण भारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। भारत ने अपना वैभव खो दिया है और इतनी धूल भरी चादरें उसके पर चढ़ गई हैं, उसे पता ही नहीं कि हमारा गौरव कितना बड़ा है। और निश्चित रूप से इस गुलामी के मूल ने उसे ऐसा बना दिया कि विश्व में भारत की को जो पहचान थी वो सपेरों के देश के बारे में पहचान थी, विश्व के में भारत की जो पहचान थी वो अनपढ़ों की पहचान थी,
विश्व में जो भारत की पहचान थी वह आज्ञानिक देश के रूप में पहचान थी। निश्चित रूप से भारत भारतीय मानव की यदि हम स्थिति को देखें तो यहाँ हाड़ मांस का व्यक्ति जो था वह केवल एक हड्डियों का ढांचा बच गया था, वह दुर्बल था और गुलामी की इस जंजीरों ने उसे दुर्बलता के उस लेवल पर पहुंचा दिया था जिसमें वो सचमुच अपने को सबसे छोटा, जिसे विवेकानंद जी कहते थे नीच ही समझ लिया था। और यह गुलामी केवल आर्थिक और राजनैतिक साम्राज्यवादी गुलामी नहीं थी बल्कि यह गुलामी पुरोहितवाद की भी गुलामी थी, यानी धर्म का आडंबर इतना प्रचंड में था कि उसे बार बार बचाया जाता था कि तुम इसके योग्य नहीं हो। और ये साम्राज्यवादी गुलामी और धर्म के अंधविश्वासों की गुलामी ने उसे निचोड़ दिया था। वह सदियों की गुलामी से इतना थक गया था कि उसके पास उसके लिए कुछ बचा ही न था। उसी समय विवेकानंद जी उस विश्व शिखर पर प्रकट होते हैं और उस शिकागो धर्म सम्मेलन में यह बड़े ही हुंकार के साथ उद्घोष करते हैं कि मेरा भारत महान है। और यह महानता उनमें इतना उद्घोष पैदा करती है यह, और देखते हैं कि एक टूटा हुआ व्यक्ति, जर्जर शरीर वाला व्यक्ति जिसके अंदर कमजोरी विद्यमान हो गई थी, लेकिन भारत में जब उनकी ये आवाज आती है तो वह कमजोर भले शरीर से है लेकिन उसकी हृदय उस महानता से पुलकित होता है, उठ खड़ा होता है और उस चौड़े सीने के साथ अपनी गुलामी को की जंजीरों को तोड़ निकलना चाहता है और उस दास्ता की चुनौती को स्वीकार करता है। यह चुनौती जनमानस के अंदर यह भाव भरती है कि वह अपने को कहता है मैं भारतवासी हूं और मैं इसे गर्व करता हूं। निश्चित रूप से ऐसा गर्वशाली इतिहास दिखने को आता है जिसमें एक स्वतंत्रता की अलग जग उठती है, वह अलग ऐसी जलती है कि आगे की पीढ़ियों को वह रोशन प्रदान करती है। और आम देखते हैं 1893 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की एक कड़ी, एक आंदोलन, एक कतार सी लग जाती है। एक बड़े बड़े नेता पैदा होते हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ एक जनमानस का भी आंदोलन शुरू होता है और कहीं न कहीं हमारे समृद्ध और शिक्षित उच्च विचारों से लैस हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नेतागण विवेकानंद से प्रभावित होते हैं। और यदि हम इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से अलग जाके शिकागो धर्म सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप ही शिकागो धर्म सम्मेलन का उद्देश्य तो कागज पर कुछ और था, लेकिन शिकागो धर्म सम्मेलन के इस कागज के उद्देश्य के अतिरिक्त एक छिपा हुआ उद्देश्य था। वह उद्देश्य था कि जिस प्रकार उपनिवेशवाद के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है, उसी प्रकार ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इतना हो जाए कि उसका भी सूरज अस्त कभी न हो। और यह जो मूल उनकी भाव था, इस मूल भाव को भी, विश्व के मूल भाव को भी विवेकानंद की उपस्थिति ने चकनाचूर कर दिया। कहा उपनिवेशवाद तो निश्चित रूप से एक किसी भूभाग का क्षेत्र है, लेकिन धर्म ऐसा है कि हमारा धर्म सब कोई ले सकता है, हमें किसी की धर्म की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ विवेकानंद जी के उस विराट व्यक्तित्व का परिचय होता है। जब हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह नहीं खोजी गई थी,
तभी वे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को महान उन्हें घोषित कर दिया था उस विश्व पटल पर। और उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से हम हजारों हजार बरस से हम नेतृत्व करते आए हैं और धर्म मुझे कोई दे नहीं सकता, और धर्म यदि किसी को जरूरत है तो भारत धर्म से सकता है कि उस धर्म में समस्त मानव के कल्याण की निधि छिपी हुई है। उस धर्म के अंतर्गत वसुदेव कुटुंबकम के गुण छिपे हुए हैं और वह धर्म हमारा श्रेष्ठ धर्म है। जिस प्रकार सारी नदियां अपने समुद्र में विलय हो जाती है, उसी प्रकार हमारा धर्म है जिसमें हमारे सारे संप्रदाय सारे धर्म विश्व के आके विलय हो जाते हैं। निश्चित रूप से यदि हम उस शिकागो सम्मेलन के बारे में बात करें तो विवेकानंद जी जब उस शिकागो सम्मेलन में प्रकट होते हैं, उस अपार जन समुदाय के सामने उपस्थित होते हैं जिसमें बहुत सारे दार्शनिक वैज्ञानिक के समूह चोरी छिपे आते हैं और सुनते हैं उन्हें। अपार जन समूह जब उन्हें सुनता है तो उन्हें प्रभावित बिना उसके उनके प्रभावित हुए नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि तुम अमर आत्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम शाश्वत स्वभाव के हो, तुम मंगलमय हो, तुम जड़ नहीं, तुम गुलाम नहीं, तुम उसके गुलाम हो ही नहीं सकते। और ईसाई धर्म में बताया जाता था कि मैं पापी हूं, मेरा तुम पाप में जन्म लिए हो, यह जीवन ही पापमय हो। और कहते थे विवेकानंद कि नहीं, हमारा धर्म हमारे उपनिषद कहते हैं कि तुम पापी नहीं हो, तुम अमृत पुत्र हो, आनंद के स्वामी हो। और उस अमृत पुत्र और आनंद के स्वामी होने के कारण तुम ईश्वर की ही संतान हो और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता विद्यमान है कि तुम अपना निर्माण स्वयं कर सकते हो और देवतुल्य हो सकते हो और देवता का वास तुम्हारे ही अंदर छिपा हुआ है। तुम ब्रह्म हो, अव्यक्त ब्रह्म हो। उस ब्रह्म के अंतर्गत अपने को व्यक्त कर सकते हो यदि आप अपने को चारित्रिक रूप से ऊपर उठा लें। वे कहते हैं कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। यह हमें आधुनिक धर्म की शिक्षा देता है। 33 करोड़ देवी देवता तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करते। स्वयं में विश्वास यदि करोगे तो निश्चित रूप से तुम मुक्त हो जाओगे। और विश्वास विश्वास और विश्वास और अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता के रहस्य हैं। और जो व्यक्ति अपने में विश्वास नहीं कर सकता वह कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकता। वो ईश्वर के ही नहीं, वो सांसारिक भोग वस्तु के विषयों की भी प्राप्ति नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले है कि वह अपने आप में विश्वास करना सीखे। यदि हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को ध्यानपूर्वक देखें तो हम देखते हैं एक वो साधारण सी नौकरी नहीं पा गए। वो स्वामी विवेकानंद जी अध्यापक बनना चाहते थे हमारे आप जैसा, लेकिन अध्यापक नहीं बने। एक समय ऐसा आया कि वे विश्व अध्यापक हो गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेरिन कहते हैं जब उन्हें शिकागो सम्मेलन में प्रतिभाग करने का अवसर नहीं मिलता है तो वह उनके सचिव को पत्र लिखते हैं और पत्र में एक शब्द लिखते हैं जो मैं कोट करना चाहूँगा। समस्त अमेरिकी विद्वानों का विद्वान, विश्वगुरु, मार्गदर्शक। और ये कहते हैं कि यह ऐसे हैं कि यह विद्वानों के विद्वान हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी विद्वता से यह कहते हैं
संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। यदि तुम संसार की सहायता करना चाहते हो तो उसकी निंदा मत करो, उसे कमजोर मत बनाओ। पाप दुख आदि कमजोरी के परिणाम है। यह सच्चाई, यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति जीवन है और कमजोरी मृत्यु। वे शक्ति में विश्वास करते थे, किसी तरह की नकारात्मकता से वे बहुत दूर थे। वे उनका यदि हम जीवन देखें तो वो अपने पूरे जीवन में यह संदेश देते हैं कि हमें नकारात्मक नहीं होना है, केवल वो सकारात्मक ही सकारात्मक पूरे जीवन दिखाई देते हैं। वे कहते हैं शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है, और कहते हैं कभी न हटने वाली यह अंतरणा, यह बोझ जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह भी समाप्त हो गया जाएगी यदि हम शक्ति का वर्णन करते हैं। कहते हैं कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं है, पर शक्ति का विचार करना है। कमजोरी कभी कमजोरी के विचार करने से समाप्त नहीं हो सकती है, बल्कि शक्ति के विचार से समाप्त हो सकती है। स्वयं को एवं अन्य मनुष्य को शक्ति की शिक्षा, जो पहले ही उसमें विद्यमान है। कहते हैं हर व्यक्ति शक्तिशाली है, उसके अंतर्भाव में छिपा हुआ है। और कहते हैं मनुष्य मनुष्य में अंतर होना उसके अपने विश्वास के कारण ही है। जो उसका विश्वास है उन्हीं कारणों से वह उसमें अंतर दिखाई देता है। वे कहते हैं, ये उपनिषद की एक बात उठाते हैं, वह बात यदि हम उसे ध्यान दें, उसे आत्मसात कर लें, उसे अपने जीवन में लागू कर लें, तो निश्चित रूप से हम महान बन सकते हैं, हम सभी महान बन सकते हैं। वह है, कहते हैं संसार को यदि किसी धर्म की शिक्षा देनी है तो वह चाहिए, वह शिक्षा है केवल एक शब्द में कहते हैं निर्भयता। और कहते हैं हमारे उपनिषद कहता है धर्म वह भाव है जो व्यक्ति को निर्भय बना दे। भय ही दुखों का कारण है। उन दुखों से यदि मुक्ति चाहते हो तो भय से दूर रहो। अब मैं पुनः उस शिकागो विश्व सम्मेलन के पटल पर जाता हूं और देखता हूं कि विवेकानंद उस शिकागो सम्मेलन में जो प्रथम दिन अंतिम वक्ता थे, इसलिए कि उन्हें कमजोर माना गया था, इसलिए कि वे बिन बिनाए मेहमान थे और उनके इर्द गिर्द प्रभुत्व संपन्न वैभव संपन्न अपने को विश्व में ज्ञान संपन्न कहने वाले ऐसे बहुतेरे धर्म विदों का एक जनसमूह उस मंच पर उपस्थित था। और विवेकानंद जी इन आम आडंबरों से दूर होते हुए एक सत्य की उपासना के लिए वहां पहुंचे थे, अपने उच्च आदर्श लक्ष्यों को लेकर वहां पहुंचे थे। और अगले दिन पूरे अखबार की सुर्खियों में केवल विवेकानंद ही विवेकानंद थे। और अंतिम दिन तक, द्वितीय दिन से अंतिम दिन तक, केवल इसलिए वे अंतिम वक्ता थे कि वहां की जनता उन्हीं को सुनने आती थी, उन्हीं को गुनने आती थी, उन्हीं को देखने आती थी, उन्हीं को छूने आती थी। और वह उस मंच पर खड़े हो जाते थे, चहल कदमी कर देते थे तो तालियां बजने लगती थी। इतने पॉपुलर हुए। अब उसके पॉपुलर, इतने लोकप्रिय हुए क्यों हुए? क्या वहां की जनता को उन्होंने कुछ प्रलोभन शब्द कहे, अच्छे शब्द कहे? उनके पास उस आकर्षक ऐसे शब्द थे, आकर्षक विचार थे? नहीं, उन्होंने सत्य का वर्णन किया, उन्होंने निर्भयता त्याग दिया, सत्य के मार्ग पर खड़े हो गए। और धर्म सम्मेलन उनका, भूमि उनकी, जनसमूह उनका, जनता उनकी, सभा उनकी,
और उन्हीं को ललकारते हैं। और गगन चुंबी अपनी आवाज से उद्घोष करते हैं कि एक हाथ में रक्त रंजित तलवार और दूसरे हाथ में रोटी नहीं चलेगी। यदि धर्म की सच्ची शिक्षा देना चाहते हो तो तुम उस रोटी की लालच में, उस दवा की लालच में उन्हें धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि चाइना में रोटी और दवा के नाम पर बहुत सारे ईसाई धर्म में परिवर्तन कराए जा रहे थे। जनसमूह ईसाई में परिवर्तन हो रहा था और वह कहते हैं यह केवल चाइना में नहीं हो रहा है बल्कि भारत में इसकी भी आबोहवा चल निकली है। और यह जो रक्त रंजित उपनिवेशवाद की रक्त रंजित तलवार के आधार पर धर्म परिवर्तन होगा यह संभव नहीं है। इस तरह के उनके विचार होते थे और उन्होंने उस संसार को साहसी पुत्रों और साहसी पुत्रियों की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई को जानने की हिम्मत हो, जो मृत्यु से नहीं कांपता हो, जिसका मृत्यु स्वागत करता हो। और मनुष्य को बताता है कि अमर आत्मा हो, वह अमर आत्मा समस्त विश्व जिसका हनन नहीं कर सकता, जिसका नाश नहीं कर सकता। तुम स्वतंत्र हो और स्वतंत्र हो जाओगे ऐसी निर्भरता और ऐसी सच्चाई का यदि वर्णन करते। निश्चित रूप से इस तरह की विचार के कारण स्वामी विवेकानंद जी उस जन समूह में लोकप्रिय हुए और आगे आने वाले वर्षों में कई वर्षों तक वे वहां घूम घूर के वेदांत का प्रचार करते रहे। भारत की मिट्टी को सिर मौर्य करते रहे। और यदि हम आत्मविश्वास के रूप में यदि देखें तो एक घटना में आपको बताना चाहूँगा कि इतने आत्मविश्वासी वह थे। एक बार उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया था और उसी गले के कैंसर के कारण ये बोल नहीं पाते थे अंतिम दिनों में। और एक बार विवेकानंद जी किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और जब देखते हैं तो उनके कमरे में उस कैंसर के कारण उनके और गुरु भाई जो थे नहीं जाते हैं और उनकी साफ सफाई नहीं हो पाती है और जो गले से मवाद निकला होता है उसको भी वह साफ नहीं करते हैं। विवेकानंद जी इतने आत्मविश्वास होते हैं और नेतृत्व करने वाले होते हैं कि वे जाते हैं अपने गुरु भाइयों से आगे बढ़ते हुए उस मवाद भरे हुए गिलास की मवाद को पी जाते हैं। कहते हैं देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वे ऐसे आत्मविश्वास से प्रेरित होते हैं। यदि 1893 में पहले के बरेले हम देखें 1889 में वे कहते हैं शरीर वा पातयामी मंत्र वा साधयामी, या तो मैं आदर्श की उपलब्धि करूँगा या देह का न्यास त्याग कर दूंगा, या देह का नाश कर दूंगा। और अपने 1990 के काशी प्रवास के दौरान वो कहते हैं कि जब तक समाज पर वज्र बन के नहीं बरस पड़ूंगा तब तक मैं इस काशी पर नहीं आऊंगा, क्योंकि काशी में हो रहे धर्म के द्वारा हो रहे अत्याचार को उन्होंने देखा था। और सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा था उनके अंदर एक जबरदस्त प्रयत्न था। वे कहते थे कि एक ऐसा प्रयत्न करो जो सतत हो, जिसमें जबरदस्त इच्छा शक्ति हो, यानी तुम्हारे अंदर इतनी तेजमय शक्ति होनी चाहिए कि तुम कहो कि मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरे अंदर ये क्षमता है
मैं पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और कहते थे कि इस प्रकार की शक्ति और इच्छा को रखोगे और कड़ा परिश्रम करोगे तो निश्चित ही अपने तुम उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे। यह उद्देश्य तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। असफलता की चिंता मत करो, यह जीवन के तो सौंदर्य हैं, छोटी छोटी फिसलने हैं। यदि तुम संघर्ष करोगे तो यह संघर्ष तुम्हें ले आगे ले जाएगा, अपने लक्ष्य तक मिलाएगा, और यही संघर्ष तुम्हारा एक दिन काव्य हो जाएगा। और यह जीवन का काव्य आपको भी आगे मार्गदर्शित करेगा और आने वाले नई पीढ़ी और तुम्हारे साथियों को भी मार्गदर्शित करेगा। यदि हम मानव जाति के इतिहास का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी प्रवर्तक यदि कोई है तो वह शक्ति है, और वह शक्ति है आत्मविश्वास की शक्ति है। जन्म से कोई महान नहीं होता है, बल्कि महान होने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत होती है कि वे जन्म से ही सोचते हैं कि मैं महान हूं, मुझे महान काम करते हैं, और उस महानता के जन्म से ही, उस महानता के आधार पर ही, उस आत्मविश्वास के आधार पर ही वे आगे चल के महान लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। यदि हम स्वामी जी के जीवन को देखें तो यही विचार उन्होंने भी कहीं अपने बचपन में पाले होंगे, अपने युवावस्था में उसे सजोया होगा और आगे बढ़े होंगे। यदि देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की का जब देहावसान होता है तो उस समय उनके घोर अपमान होते हैं। शांत चित्त सब्र से सब कुछ वह पी जाते हैं, और उनकी गुरु माँ शारदा जब ये कहती हैं इतना अपमान, इतना घोर अपमान, तो वे कहते हैं इतनी शांति, और वे कहते हैं कि अपमान तो माँ राष्ट्र का होता है, अपमान तो धर्म का होता है, अपमान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, यह तो अपने हैं। और उस उच्च आदर्शों को अपने सामने सम्मुख रख के सब कुछ छोड़ छाड़ के परिवारजक के रूप में भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्व शक्तिशाली है। इस विचार को यदि हम अपने जीवन में उतार ले और अपने आप को सर्वशक्तिमान, इस शक्ति के द्वारा उच्च आदर्श और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, और उस आदर्श और लक्ष्यों के द्वारा हम मानव कल्याण कर सकते हैं, और मानव कल्याण ही हमें हमारे को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, हमें मुक्त करेगा। और मुक्त करने के लिए वे कहते हैं सबसे अधिक जरूरी है प्रेम और निःस्वार्थता। वे कहते हैं मैंने जीवन में तपस्या की, भ्रमण किए, लेकिन केवल एक बात ही समझ में आई, वह है प्रेम। कण कण में प्रेम, भगवान में प्रेम, उससे ही प्रेम करो, मानव मानव से प्रेम, और यह प्रेम ही तुम्हें अमर बना देगा, अमरत्व के राह पर ले जाएगा। और यदि उनके उदाहरण को देखें तो कहते हैं तुम भीख देते हो, यदि तुम भीख देते हो तो तुम कृपा नहीं कर रहे, भिखारी तुमसे भीख लेके कृपा कर रहा है, क्योंकि वह तो भौतिक वस्तु ले रहा है, और तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है? तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि वह तुम्हें शुद्ध और पूर्ण बना रहा है,
और वह शुद्धता और पूर्णता तुम्हें एक नए राह पर ले जा रहा है। और यह उसका छोटा सा लेने का काम तुम्हें महान बना रहा है। तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है जो तुम खुद पैदा नहीं कर पाते। और कहते हैं संग्रह जीवन नहीं है बल्कि त्याग ही जीवन है। और कहते हैं मुट्ठी बांधे आना है और मुट्ठी खोले जाना है। जितना अधिक निस्वार्थ होगे उतना ही आध्यात्मिक होगे, उतना ही तुम शिव के करीब होगे। शिव का मतलब कल्याण। और कहते हैं लेकिन यह धर्म कैसा हो, तो धर्म के बारे में यहां कहते हैं वे पहले रोटी तब धर्म, पहले रोटी तब धर्म। और इस रोटी इस धर्म के बारे में से पहले होनी चाहिए। और यदि हम ध्यान से देखें तो भारतीय धर्म का प्रमुख काम था कि सन्यास ग्रहण करके उच्च सन्यासी गण सांसारिक जीवन से अलग हटते हुए अपने को दूर कहीं हिमालय की ऊंचाइयों पर अपने शरीर को ले जाते थे और एकांतवास से वे अपने को उच्च करते थे। लेकिन विवेकानंद ने या तो उस धर्म को उल्टा कर दिया या उसके उल्टे धर्म को सीधा कर दिया। उन्होंने सेवा में ही धर्म को ढूंढ लिया, सेवा में ही त्याग को ढूंढ लिया और उन्होंने एक नई कल्पना शक्ति उत्पन्न किया और कहा दरिद्र नारायण, दरिद्र देवो भव। दरिद्र ही नारायण है, दरिद्र ही देव है, वही भगवान है। और कहते थे जो गरीब की सेवा करते हैं वे भगवान की सेवा करते हैं। वे कहते हैं आत्मनो मोक्षार्थ जग द्वितीयाय च, अपने मोक्ष व जगत के कल्याण के लिए काम करो और पूरी की पूरी भारतीय धर्म व्यवस्था को बिना किसी छेड़छाड़ के शब्द इस्तेमाल करें, शब्द है लेकिन बिना किसी परिवर्तन लाए उसमें उसको सीधा कर देते हैं और जन कल्याण से जोड़ देते हैं। कहते हैं हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है, कोई भी सांसारिक से भाग नहीं सकता, भले ही उसका योगदान क्षण भर के लिए ही हो, छोटा सा ही हो, अल्प हो, कण भर भी हो, लेकिन वह योगदान बहुत बड़ा योगदान हो सकता है यदि छोटे छोटे योगदान इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़े से बड़े चीजों को परिवर्तित कर देते हैं। और इसी छोटे योगदान के कारण वे रामकृष्ण सेवा आश्रम कलकत्ता, और यदि हम बनारस में बैठे हैं तो बनारस में भी वे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1902 में, और काशी के दीन दुखियों के लिए वे इस निमित्त इसे साधन बनाते हैं कि दीन दुखी यहाँ आए और जो सेवा भाव करने वाले हैं यहाँ आवें और अपने को उन्नत करें और सेवा भाव से मानव का कल्याण करें। वे कहते हैं ये छोटी छोटी सहयोग जिस प्रकार तिनके तिनके से जुड़ के एक हाथी को गज को रस्सी के रूप में नियंत्रित कर लेता है, ऐसा ही आपका अल्प लेकिन छोटा प्रयास कब बड़ा हो जाएगा, बूंद बूंद से सागर कब भर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो इसके लिए कि तुम अकेले कर रहे हो, तुम्हें अपने प्रयास और योगदान देना जरूरी है और यह योगदान केवल अपने लिए नहीं होगा बल्कि निस्वार्थ होगा,
वह निर्धनों के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा, दरिद्रों के लिए होगा, जो समाज से छूट गए हैं उनके लिए होगा। और कहते हैं बंधन ही हमें बांधता है और यह जो है हमें मुक्त करता है। और जरूरी नहीं कि हम समाज के अच्छे काम पैसे से ही करें, हम समाज में बहुत सारे काम अपने विचारों से भी कर सकते हैं। और रत्ती भर ही आपके विचार, छोटे से ही विचार, एक ही विचार, अच्छे विचार निश्चित रूप से वे महान परिवर्तन ला सकते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यदि हम अतीत जीवन को देखें तो अतीत जीवन में जीवन शक्ति ग्रहण करने की ऐसी क्षमता है जो भविष्य के जीवन को मार्गदर्शित करता है। हम महान अतीत में पैदा हुए हैं और यदि हम इस महान अतीत को सामंजस्य बनाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे तो निश्चित ही अपने देश को पुनः उस परंपरागत आदर्शों से युक्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए एक नवीन आयाम को छू पाएंगे। और ये कहते हैं इसके लिए आपको बहुत सारे विचारों का वर्ण नहीं करना है, इसके लिए केवल एक विचार का वर्ण करिए जो आपको पसंद हो। उस विचार को आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए और जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म को आत्मसात कर लिया, धर्म उनका मूल था, लेकिन क्या हम विवेकानंद जी को बहुमुखी प्रतिभावान के रूप में नहीं देखते हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संत, एक ख्याति लब्ध व्यक्तित्व के स्वामी, समाज सेवक, राष्ट्र के निर्माता, विशुद्ध अंतःकरण के विराट पुरुष, राष्ट्र व्यापक मानवीय संवेदना प्रस्तुत करने वाले, युवाओं के ऊर्जा स्रोत, अजत स्रोत, राष्ट्रीय चेतना के अभिप्रेरक, दीन दुखियों के मसीहा, नेतृत्वकर्ता, कवि, संगीतज्ञ, श्रेष्ठ उद्बोधक, मोटिवेशनल स्पीकर और लोकतांत्रिक भाव जागृत करने वाले के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने अपने श्रेष्ठ विचारों के आधार पर एक मार्ग से अनेक मार्ग को खोल दिया। इसी तरह हमें एक मार्ग का वर्णन करेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की याद आ जाती है, जिसमें ये कहते हैं राह पकड़ के एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यदि हम एक मार्ग, एक राह यदि हम पकड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर पाएंगे। और यह लक्ष्य कैसा हो, आज हमारे जो लक्ष्य हैं वह क्या सैद्धांतिक ज्यादा नहीं हो गए हैं, या हम उसे कहें कि हमने व्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही छोड़ दिया, या इसे हम किताबी ज्ञान की भाषा से हट के कहें तो हमने बुद्धि और हृदय के द्वंद को समझना ही बंद कर दिया है। यदि हमें बुद्धि और हृदय के द्वंद में द्वंद पैदा हो तो किसका अनुसरण करना चाहिए, उसके लिए हम एक कहानी सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अलवर खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी के पास जाते हैं और अजीत सिंह उनके शिष्य हो गए रहे होते हैं और अजीत सिंह उनसे काफी प्रभावित हुए रहते हैं और विवेकानंद जी अक्सर अपने मृदंग के साथ लयबद्ध होकर भक्तिमय गान करते हैं। एक दिन
अजीत मल जी के आग्रह पर, निवेदन पर उन्होंने नर्तकी का गाना जो राज गायिका थी उसे सुनना स्वीकार किया। जब नर्तकी की आई, वह राज गायिका आई और नाचने लगी, गाने लगी, तो विवेकानंद जी ने विरोध कर दिया। विवेकानंद जी ने जब विरोध किया तो नर्तकी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, महाराज आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, मैं तो पापी हूं, मैं तो कलुषित हूं, आप तो शुद्ध हैं, मैं तो अशुद्ध हूं। अशुद्ध कैसे शुद्ध को अशुद्ध कर सकता है? और विवेकानंद जी पर इतनी गहरी छाप पड़ी कि वे अपने बुद्धि को के यानी मस्तिष्क की चीजों, जो मस्तिष्क में द्वंद हो रहा था उसे त्याग दिया और हृदय का वरण किया और कहा कि निश्चित रूप से यदि मन शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, तो सब कुछ शुद्ध है, कोई भी यहां पापी और अशुद्ध नहीं है, चाहे वह नर्तकी ही क्यों ना हो। एक दूसरी घटना हम आपको सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी इसी खेतड़ी के महाराज अलवर, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी के पास से थे, पास थे, वहां अलवर के महाराज आए। अलवर के महाराज देवी देवताओं को नहीं मानते थे और विवेकानंद जी चूंकि वेदांत के प्रचारक थे, वेदांत के पुजारी थे और वेदांत की वे सेवा कर रहे थे, तो उनका भी बहुत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। वे केवल मूर्ति पूजा को प्रथम सीढ़ी मानते थे ईश्वर या ब्रह्म तक पहुंचने का, और जैसे ही ये प्रथम सीढ़ी का काम पूरा होता था उसे वो किनारे करने की बात करते थे। अलवर के महाराज ने जब यह सुना तो वे काफी उत्साहित हुए और तमाम तरह के देवी देवताओं का हंसी मजाक उड़ाने लगे। विवेकानंद जी ने इस अवस्था में कहा कि मुझे पान की जरूरत है। उन्होंने पान खाया, खूब पान बढ़िया सा मुंह में गुलाया और कहा उस महाराज से कि आपके पिताजी हैं, उनके मैं दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे पिताजी तो स्वर्ग चले गए। उन्होंने कहा यदि आपके पिताजी स्वर्ग चले गए तो उनके चित्र तो होंगे। उन्होंने कहा निश्चित, उनके चित्र उपस्थित कराया जाए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। जैसे ही चित्र आया विवेकानंद जी उठे और उस पान को उन्होंने उस चित्र पर थूकना चाहा, पूरा पान का पीक उस पर डालना चाहा, वे एकदम क्रुद्ध हो गए और उस क्रुद्धता में बहुत कुछ कहने लगे। विवेकानंद जी चित्र को प्रणाम किया, पान की थूक अलग किया और फिर उन्हें बताया कि ये भी तो एक चित्र था। उसी प्रकार मूर्ति पूजा जो है यह प्रथम सीढ़ी है, इसमें जिस प्रकार आप अपने पिता का अस्तित्व देख रहे हैं इसी प्रकार हम सभी भारतवासी उसके इस मूर्ति के अंदर अपने ब्रह्म का अस्तित्व देते हैं, देखते हैं। वह निश्चित रूप से निर्गुण है, शाश्वत है, अव्यक्त है, लेकिन हम उसे इसके उस गुणों का दर्शन इस मूर्ति के अंदर, इस पत्थर के अंदर देखते हैं। इस तरह के मानसिक द्वंद और हृदय के द्वंद को समाप्त करते थे। निश्चित रूप से यदि हमारे बुद्धि और हृदय में द्वंद आ जाए तो हमें हृदय का अनुसरण करना चाहिए और विवेकानंद इसी बात को प्रश्रय देते थे कि निश्चित रूप से हमें उस इस अवस्था में बुद्धि के द्वंद से आगे निकल के हृदय के द्वंद, हृदय की चीजों को स्वीकार करना चाहिए। यदि हृदय की चीजों को स्वीकार करें तो हृदय के रूप में यदि देखें तो विवेकानंद कहते थे, चाहे वो देश में रहे हो, विदेश में रहे हो, वे कहते थे ये सब कुछ मैं कर रहा हूं अपने भारतवासियों के लिए। कौन से भारतवासी? जो निर्धन हैं, अछूत हैं,
उनके लिए मेरे नेत्रों में आंसू हैं। वे शांत अवस्था में अपने कर्तव्यों को करते चले जा रहे हैं, उनके पास कोई आवाज ही नहीं है, उन्हें के आवाज के बल पर, उन्हें के कर्म के बल पर, उन्हें के श्रम के बल पर, उन्हीं के उत्पत्ति के बल पर चाहे पुरोहित धनवान हो रहा है, चाहे राजा रजवाड़े शक्ति संपन्न हो रहे हो, चाहे जिनकी गुलामियों के बीच में हम झगड़े हैं, उन विदेशियों को हम हजारों वर्ष से हम उन्हें संपन्न कर रहे हैं, और इनके पास कुछ भी कहने की क्षमता बची हुई नहीं है। इसीलिए इनको उन्नत करने के लिए ज्यादा जरूरत है, उसी के लिए मैं देश और विदेश की यात्राएं कर रहा हूं। और कह रहे हैं सर्वसाधारण की उपेक्षा ही यह भारत का राष्ट्रीय महापाप है। हमने हमेशा सर्वसाधारण की उपेक्षा किया है, और भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। वे दो कारणों में भारत की दुर्दशा मानते थे। पहला सबसे बड़ा कारण मानते थे, हम जाति पाति में बटे हुए हैं, हमने जात के आधार पर और उस जात के आधार पर हमने जो पुरोहितवाद का आडंबर खड़ा किया है, इससे मानवता को पिस रही है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही उच्च श्रेणी का है, लेकिन हमने न्यायोचित तरीके से, न्याय सम्मत ढंग से हमने उनको कुछ दिया नहीं, और यह भारत की दुर्दशा का दूसरा बड़ा कारण मानते थे कि हमने अपने नारियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को वह सम्मान नहीं दिया है, वह सहयोग नहीं दिया है, वह बराबरी का दर्जा नहीं दिया है जिसकी वह पात्र थी। हमने हमेशा उन्हें अपने शास्त्रों के माध्यम से उन्हें पीछे रखा। हमारे उच्च स्तर के शास्त्र, जो मूल शास्त्र हैं, उनमें कहीं भी लिंग भेद की बात आती ही नहीं है। हमने बाद के शास्त्रों में बड़े ही कुटिलता से यह सब बातें समाहित कर दिया है। जाति का नाम यदि हम वेद में देखें तो जाति जो है वह किसी को भी प्रकाशित करने की का भावार्थ रखती है। वह भावार्थ जाति इस रूप में रखती है कि जो आदमी जन्म लेता है उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर ही वह विकसित होता है, उसी रूप में वो बट वृक्ष बनता है जैसा उसका बीज होता है। हमने उस बीज को बोना साई बना दिया, हमने बट वृक्ष होने ही नहीं दिया। और कह रहे उनका कहना था, इस संस्कृति को न रजवाड़ों ने, इस संस्कृति को न पुरोहितों ने, इन्होंने जिंदा नहीं रखा है, बल्कि झोपड़ियों में रहने वाले ने जिंदा रखा। यह उन्हें इस बात का पता किताबों से तो नहीं पता चलता, लेकिन जब परिवारजक रूप से वह भारत की यात्रा पर होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इस बात का पता चलता है। जब वे गरीब से गरीब घर में झोपड़ियों के सामने उपस्थित होते हैं, रोटी की अकाल रहता है, और देखते हैं कि उसका जर्जर शरीर, खराब अवस्था में झोपड़ी, लेकिन अतिथि आता है और अतिथि के रूप में जाते हैं और देखते हैं कि पूरे परिवार को भी खाने भर, आधा पेट भरने भर भी उसके पास रोटी नहीं है, लेकिन वे अपने अतिथि को, स्वामी को अपने सम्मुख बैठा के भोजन कराता है, और उसी भोजन कराने से ही वो संतुष्ट हो जाता है। यह आतिथ्य स्वीकार, यह नजदीक की अनुभूति उन्हें विचलित सी कर देती है, और कहते हैं कि मेरी पूरी भारतीय संस्कृति महलों से निकल के, उन पुरोहितों के बड़े बड़े आडंबरों से निकल के,
उनकी किताबों और शास्त्रों से निकल के इनकी झोपड़ियों में बस रहा। और एक घटना हम याद दिलाना चाहेंगे उनके जीवन से, वह सबसे पहले इस जातिवाद को बहुत नज़दीक से उन्होंने महसूस किया जब वो शिमला की यात्रा में थे। शिमला की ठंड उन्हें कपकपी छुटा रही थी, नाम मात्र का वस्त्र उनके शरीर पर था, और एक किसान खेतों में हल जोत रहा था, उसके साथ साथ वह हुक्का पी रहा था और उस हुक्के की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी अपने को रोक नहीं पाते हैं और उस ठंड से उन्हें लगता है कि इस हुक्के से, इस छोटी सी अग्नि से शायद उनकी ठंड, शरीर की कुछ ठंड कम पड़ जाए, वे उसे हुक्का मांगते हैं। और वह आदमी, वह किसान बड़ी हाथ जोड़ के विनती करता है कि महाराज मैं तो अछूत हूँ, मेरा कैसे आप छू सकते हैं, मेरा हुक्का, मेरे द्वारा पिया हुआ हुक्का कैसे ले सकते हैं। और विवेकानंद ये सुन के आगे बढ़ते हैं और जैसे उनके कदम जितने आगे जाते हैं उतने उनके कदम बोझिल से हो जाते हैं, तेजी से दौड़ के आते हैं, उसका हुक्का उसे छीनते हैं और पीने लगते हैं और कहते हैं कि इस जाति ने इस देश का सर्वनाश किया है, और कहते हैं हम सभी को ब्राह्मण हो जाना चाहिए, यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और यह कहते हैं कि यदि विश्व के दूसरे राज्यों में राजा श्रेष्ठ होता है और हमारे यहां धर्म श्रेष्ठ है, साम्राज्य श्रेष्ठ नहीं है, तो साम्राज्य का स्वामी श्रेष्ठ न होने के कारण यहां ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके हाथ में सारी नियति है भारत की, तो यदि वो श्रेष्ठ है तो सभी लोगों को ब्राह्मण हो जाना चाहिए, महलों में नहीं, विद्वानों में नहीं, धनियों में नहीं, बल्कि निर्धनों में, अल्प ज्ञानियों में, निरक्षरों में, भारतीय संस्कृति के रक्षा करने का तत्व विद्यमान। इन तत्वों को भी हमें समझना होगा और भारत को ऊंची तथा कथित नीची जातियों के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा और संघर्ष के समाधान की तरफ ले जाना होगा, और सभी लोगों को एक ही स्वर, एक ही स्वर में कहना पड़ेगा हम सभी ब्राह्मण हैं, और इस ब्रह्म को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अपने अंदर का कोई भी ब्रह्म अंतर नहीं रखता, बल्कि अपने अंदर का सारे ना भारतवासियों के सारे और विश्व के सारे मानवों के अंदर एक समान ब्रह्म विराजमान है। ये बात करते हैं और कहते हैं यह केवल भारत के ही नहीं बल्कि हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वह वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं। वसुदेव कुटुम्बकम के बारे में बात करें तब एक प्रकरण उनके अमेरिका से संबंधित है, उसे यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक बार वो कहते हैं कि मुझे प्रेम हो गया और सारे लोग आश्चर्यचकित कौतूल के अंदर आता है और पूछते हैं किससे प्रेम हो गया स्वामी जी, आपको किससे प्रेम हो गया। वे कहते हैं मुझे अमेरिका के मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम से प्रेम हो गया, प्रबंध, संगठन और व्यवस्था से। यह हमें यह प्रेम हमें प्राचीन और आधुनिकता का मिलन कराएगा। इस प्रेम में हमारे अशिक्षित भारतवासी, मेरे हृदय के नजदीक रहने वाले भारतीय शिक्षित होंगे इसके द्वारा, और शिक्षा के द्वारा ही हम उन्हें आगे कर सकते हैं। ये कहते हैं और स्वामी विवेकानंद जी की का एक संदेश था कि हम भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय
की स्थापना करें, और उनकी प्रबल इच्छा थी कि हाँ भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय की वे स्थापना करें। और मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा और गर्व हो रहा है कि हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके इस प्रबल इच्छा को पूर्ण साक्षात रूप प्रदान किया और अपनी जड़ों तथा अपनी संस्कृति की शिक्षा हमें प्रदान किया जाता है। वे कहते हैं जड़ों अर्थात अपनी संस्कृति को छोड़ो मत, उसे पुष्पित करो, उसे पल्लवित करो। यही पुष्पित और पल्लवित भाग ही तुम्हें ऊपर ले जाएगा। और कहते हैं अपने उस जड़ों के साथ साथ विश्व को भी स्वीकार करो। कहते हैं मुट्ठी भर जापानियों को देखो जिनका मन एक है, वह मुट्ठी भर जापानी पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं, और अथर्व वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं और कहते हैं मन से एक बनो, विचार से एक बनो, देवताओं का मन एक है, दविण आर्य ब्राह्मण और अब्राह्मण यदि यही तुम्हारे अंदर तुच्छ विचार प्रभावी रहेंगे और तुम हमेशा बटे रहोगे तो तुम एक नहीं बन सकते, बल्कि शक्ति संचयन और संकल्पना की एकता को स्थापित करो और इन्हीं पर भारत का भविष्य निर्भर कर रहा है। और यह शक्ति संचयन निश्चित रूप से हम भारत को पुनः उस महानता की श्रेणी में ले जाएगा। स्वामी जी ने चीन और जापान का भ्रमण किया, उनके सामाजिक जीवन से बहुत प्रभावित हुए और एक पत्र में लिखते हैं आओ इन लोगों को देखो और जाकर शर्म से मुंह छिपा लो, आओ मर्द बनो, अपने संकीर्ण बिलों से बाहर निकलो और जरा दुनिया की हवा खाओ। और अंग्रेजों के रहन सहन से प्रभावित होते हुए कहते हैं कि चरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म तरीके से मैंने इनका देखा है, और अपने भाषणों में कहते हैं यह क्षत्रियों की जाति है, यह वीरों की जाति है, यह वीर पुरुषों की जाति है, इनसे कुछ सीखो और अपने लक्ष्य को ऊपर करो। अपने आज अपने युवा साथियों के लिए स्वामी विवेकानंद की उस महत्वाकांक्षा को मैं बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से बार बार आग्रह किया गया था कि वे विवाह कर लें, विवाह बंधन में बंध जाएं, लेकिन उनकी चरम कोटि की महत्वाकांक्षा उन्हें यह कहने पर विवश करती थी कि मैं पत्नी खोजने नहीं आया हूं, मैं ईश्वर खोजने आया हूं। महान आकांक्षा, जीवन में हमेशा अपने लक्ष्यों को ऊपर रखो, अपने लक्ष्यों को कभी नीचे गिरने मत दो। महान लक्ष्य ही महान सृजन कर सकता है। और कहते हैं इस लक्ष्यों में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है, और यदि पवित्रता नहीं है तो हमारे लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते, और उनके बीच में पूज्यता भी बहुत जरूरी है। दूसरे जो मैंने पीछे छोड़ा है अपने उन भारत की नारियों के बारे में जिनको भारत की दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण मानते थे और चाहते थे कि समस्त भारतवासी उन्हें बराबरी का दर्जा दें, और हमने नारी के क्षेत्र में वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स इंक्लूजन
के द्वारा बहुत कुछ प्रगति किया है, लेकिन शायद बहुत कुछ करना शेष रह गया है। एक घटना में उनके जीवन से संबंधित देता हूं कि क्या शेष रह गया है। वे अमेरिका पुरुष बैठे हुए, सभ्य आदमी बैठे हुए, सूट बूट टाई, बड़े सभ्य तरीके से बात, और उनकी सभ्यता के बीच में एक महिला आती है। वे चारों उठते हैं, दरवाजे तक जाते हैं, वे सम्मानपूर्वक उन्हें लाते हैं और पहले उन्हें बैठने का ऑफर देते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि उन्हें पहले वुमेन्स फर्स्ट करके खाने पीने और सारी चीज़ों के लिए उन्हें ऑफर करते हैं। बड़े मन उनका प्रसन्न होता है। कहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, कितना अच्छा देश है ये, कितने अच्छे लोग हैं कि अपने बहनों की, अपनी माताओं की, अपने पुत्रियों की इतने अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन यह कुछ देर ही टिकता है। कहते हैं, हमारी माँ बहनें कितनी पिछड़ी हैं, कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है, कितनी दबी कुचली है, कितना उन पर बंधन है। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि कोई उनकी आँख की तारीफ करता है, कोई उनकी बाल की तारीफ करता है, और धीरे धीरे उस महिला के विभिन्न अंगों की तारीफ होना शुरू हो जाती है। वे कहते हैं, अरे मैं तो जो सोच रहा था ऐसा तो भारत नहीं बनाना चाहता था, मैं तो एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जहाँ हमारी माँ बहनें शक्ति का केंद्र है, उसको शक्ति के रूप में देखते हैं। हम अपनी माँ बहनों को इस रूप में देख ही नहीं सकते, वे बंधन में हैं, उन्हें बंधन मुक्त करना है, लेकिन उनकी पवित्रता और पूज्यता को बिना चोट पहुंचाए। यदि उस पवित्रता और पूज्यता को हम नहीं शामिल करेंगे तो वो कैसी होंगी, जिस प्रकार पूरे कुम्हार का चाक झूठा हो जाएगा उस तो सारे बर्तन झूठे हो जाएंगे, संस्कारिक खत्म हो जाएगा, हम सारे लोग कुसंस्कारिक हो जाएंगे। वो पवित्रता और पूज्यता हमारे घरों में वास करता है, हमने भले ही भौतिक रूप में उन्हें बंधित किया है, लेकिन शायद हम मानसिक रूप से आज भी उन्हें शक्ति का केंद्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे विचार माताओं और बहनों पुत्रियों के लिए हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकते। शरीर का कभी केंद्र नहीं रही है, लेकिन भारत को भी यह समझना होगा कि क्या हम इस उच्च आदर्श को प्राप्त कर पा रहे हैं। इतनी उच्चता के साथ हम अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माताओं को ले जा पा रहे हैं। तो ऐसे इन शारीरिक आकर्षणों से अलग हट के हमें इन्हें बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक हमें ले जाना पड़ेगा और इनकी उच्चता को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि एक प्रकरण को देखें, बहुत सारे प्रकरण जीवन में स्वामी जी के हैं जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। एक बार बनारस के दुर्गा मंदिर में आते हैं, उस समय दुर्गा मंदिर को दुर्गाबाड़ी कहा जाता है। दुर्गा जी के सामने उपस्थित होते हैं और आपको ये जानकारी पहले से है कि बचपन में स्वामी जी रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने जाना कि रामचंद्र जी स्वादिशुदा हैं तो उन्होंने राम के स्थान पर हनुमान जी को अपना आराध्य देव बना लिया और रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु पाके वे माँ के भी पुजारी हो गए। हनुमान जी और दुर्गा जी का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जब प्रसाद लेके मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो बाहर उन्होंने कुछ बंदरों ने आक्रमण कर दिया। कोई उनके वस्त्र खींचने लगा, कोई प्रसाद खींचने लगा, उनके प्रसाद पाने की आकांक्षा थी बंदरों की, और स्वामी जी उस प्रसाद को बचा रहे थे
और जितना बचा के भाग रहे थे उतने बंदर उनके पीछे और संख्या बढ़ रही थी। तभी एक धीमी सी पहली आवाज आती है, रुको और सामना करो। दूसरी बार आवाज आती है, थोड़ी तीव्र होती है, ऊंची होती है, रुको और सामना करो। और तीसरी बार एक आवाज आती है बड़ी कठोरता के साथ, ऊंचे स्वर में, रुको और सामना करो। और सुन के स्वामी जी रुक जाते हैं और घूम के देखते हैं तो सारे बंदर 9, 2, 11 हो जाते हैं। और यहीं से उन्होंने एक सिद्धांत की रचना किया कि हिमालय जैसी समस्या जीवन में कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जिस दिन तुम सामना करने के लिए उठ खड़े होगे उस दिन सारी समस्याएं भाग खड़ी होंगी। और जीवन से उन्होंने कहा कि कहीं किताबें तुम्हें नहीं सिखा सकती हैं, तुम्हें यदि सीखना है, शिक्षित होना है, लर्निंग लेना है, तो जीवन तुम्हें सिखाएगा। उस पाठ को खूब बढ़िया तरीके से सीखो और उसे अपने जीवन में शामिल करो। और समय कम हो तो जो तुम्हारे साथी है, बंधु बांधव हैं, गुरु हैं, उनकी पाठों को, उनके जीवन के पाठों को अपने सामने, अपने में शामिल करो, जल्द ही सीख जाओगे। तो निश्चित रूप से वे कहते थे जीवन से सीखो अपने। और सीखने की यदि हम बात करें तो क्या सीखना चाहिए भारत को, भारत क्या है? हम उनके गुरु के चरणों में जाते हैं, वे अपने गुरु का के बारे में जब हमें मार्गदर्शित करते हैं तो बताते हैं उनके गुरु तो कभी किताबों को छुआ ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने से दूर, केवल वे बातचीत करते थे। क्या बातचीत करते थे? धर्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में, संसार के बारे में, सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में, आचार व्यवहार के बारे में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा बड़ी नजदीक से उनके गुरु अपने जीवन में प्रत्येक धर्म के क्रियाकलापों में शामिल हुए, उसे पूरी तरह आत्मसात कर लिए और उस धर्म में वो जिए, इतना जिए कुछ धर्म के हो गए, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, विभिन्न संप्रदाय हो। और उन्होंने इसके आधार पर निकाला कि किताबी ज्ञान के अलावा जो व्यवहारिक जीवन है उसमें जियो, वो व्यवहारिक जीवन तुम्हें निश्चित रूप से उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन व्यवहारिक जीवन के आधार पर उन्होंने देखा कि सारे धर्म तो एक ही मार्ग तक जाते हैं, एक ही लक्ष्य में विहीन हो जाते हैं, एक ही लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, कुछ अलग ही नहीं है। जिस प्रकार अनेक नदियां समुद्र में मेलिन हो रही हैं, उसी तरह विभिन्न धर्म उसी ईश्वर, उसी ब्रह्म में विलीन हो रहे हैं। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को भय या लोभ से जो हम परिवर्तित कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। इसलिए कभी भी हिंदू जाति ने दूसरे धर्म की जातियों को शामिल करने के लिए कभी भी किसी भी तरह का आडंबर या छद्म नहीं रचा। यह भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये उच्च स्तर का ज्ञान हमें सभी धर्मों के में आत्म समाहित हो जाने की शिक्षा देता है। और सभी धर्म एक ही जगह ले जाते हैं। और स्वामी जी एक संदेश देते हैं कि इसी बात को हमें अपने समाज में
बताने के लिए जब हम और हमारे साथी जब गुरु के न रहने पर हम इसका प्रचार प्रसार के लिए निकले अपने गुरु माता के आदेश पर, तो हमारे भारतवासियों ने हमें अस्वीकार कर दिया। हम रोटी रोटी के लिए तरस गए। हमने एक मकान खरीदा जहां सांपों का बसेरा था, भूतों का बसेरा था, हमें कोई स्वीकार नहीं किया। लेकिन हकीकत यही थी, सच्चाई यही थी, बात दिल तक पहुंचनी थी। और इसी सी छोटी सी बात वो विश्व महासभा में भी उपस्थित होकर कहते हैं और पूरा विश्व सुनता है। और उपनिवेशवाद का जो परचम जिसके पास लहरा रहा था वो भी नतमस्तक हो जाता है और भारत के गौरव का गुणगान वो करने लगता है और कहता है भारत को सब कुछ दिया जा सकता है लेकिन धर्म नहीं दिया जा सकता। विश्व स्वीकार कर लेता है कि भारत से धर्म लेने की जरूरत है, धर्म नहीं दिया जा सकता। इतना उन्नत है, सभी लोग इसमें स्वीकार्य होते हैं, कोई बचता ही नहीं। इसमें पशु पक्षी पेड़ से लेकर मनुष्य तक सबके लिए जगह स्थापित है। ये दिल से निकली हुई बात थी। आपने एक बात सुना होगा, बहुतायत से कोट किया जाता है कि उन्होंने कहा माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकावासी भगनी एंड भातृत्व भाई। इसके पीछे कई मिनटों तक तालियां बजने लगी, लेकिन यह विवेकानंद पहले नहीं थे कहने वाले। इसके पहले उनके पहले रिकॉर्ड ये बताते हैं कि तीन वक्ता यह शब्द इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन विवेकानंद पर ही इतने देर तक चले। पहली ही लाइन थी, पहले ही शब्द थे। वे ये भी बताते हैं हमको अपने संदेश में कि मेरा हृदय बड़ी तेजी से धधक रहा था बोलने के लिए और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, छोटा सा समय मिला था, उसे मैं गागर में सागर भरना था। और पहले ही वाक्य पर, पहले ही शब्द पर जब मुझे तालियां मिली, मेरी सारी घबराहट छूमंतर हो गई। क्यों, ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यह बात दिल से बोली गई थी और दिल तक पहुंची। क्या हम आज शिक्षित होके अपनी दिल की बात दिल तक पहुंचा पा रहे हैं? अपने घरों में भी क्या हम अपने दिल की बात अपने सबसे नजदीकी लोग तक पहुंचा पा रहे हैं? शायद इसका उत्तर हमें खोजना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि हमारे भाव को छोटा से छोटा बालक भी समझ जाता है। हमारे अंदर छोटा से छोटा छोटा बालक है, हमारे भाव को पढ़ लेता है, हमारी गोद में या तो आ जाएगा यानी हमारी गोद से चिटक के बाहर चला जाएगा। ये क्या ऐसी शिक्षा हम पा रहे हैं? वे इस तरह की शिक्षा देने की बात करते हैं और कहते हैं कि निश्चित रूप से हमें उन धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा और उस धर्म के मर्म के आधार पर ही हमें उसका व्यवहारिक रूप निर्धारित करना पड़ेगा और उसे में हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीवदया, ईसाइयों की क्रियाशीलता और मुसलमानों का बंधुत्व शामिल करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि नदी की धारा को अवबद्ध मत करो, उसे अवरुद्ध मत करो। भारत का चिरंतर इतिहास रहा है, यह आदर्श रहा है, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहा है। वे कहते हैं हमारे यहां विभिन्न धर्मों के संप्रदाय हैं, प्रतिदिन नए संप्रदाय उत्पन्न हो रहे हैं, इन्हें उत्पन्न होने दो, घबराओ मत। एक एक व्यक्ति 30 करोड़ भारतवासी हैं,
उस समय 30 करोड़ भारतवासी थे, 30 करोड़ तक संप्रदाय हो जाने दो, उनमें सामंजस्य होना जरूरी है, उनमें भाव एकता का भाव होना जरूरी है। और कहते हैं धर्म का मूल ही है जो हम धारण करें, और लेकिन ये धारण करने के लिए राष्ट्र धर्म भी जरूरी है। वह राष्ट्र धर्म क्या है? एक सन्यासी के लिए राष्ट्र की बात, वे कहते हैं नया भारत गढ़ो। कैसे भारत गढ़ने की बात करते हैं? एक बार गायकवाड़ साहब के पास जाते हैं, गायकवाड़ साहब बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़े आदर से उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं महाराज हमारे पास कैसे आए, स्वामी जी आप बताइए, हमारे सारे खजाने आपके लिए खुले हैं, कहाँ मठ बनाने हैं, कहाँ मंदिर बनाने हैं, बस आप आदेश करिए। और कहते हैं मुझे आधुनिक मठ और मंदिर बनाने हैं, मैं मठ और मंदिर नहीं बनाना चाहता, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे टेक्निकल कॉलेज चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मुझे मेडिकल कॉलेज चाहिए। और ऐसे भारत का निर्माण, क्या इसमें से जो पढ़ निकले के निकलेगा वो भारत का निर्माण करेगा। एक ऐसे राष्ट्रीय संत जो राष्ट्र को उच्चीकृत करते हैं, राष्ट्र को एक नई दिशा देते हैं, और जो व्यक्ति पूरे जीवन में कभी भी नकारात्मक रहा ही नहीं, कभी भी नकारात्मक शब्द उसके जीवन में आए ही नहीं, जीवन भर वह अपमान सहता रहा, सब कुछ सहा, लेकिन भारत माता के ऊपर अपमान आने पर कहा कि हिंद महासागर में जितने भी कीचड़ हैं वह अंग्रेजों के मुख पर मल देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मेरी भारत माता को कलंकित किया है। इस तरह की वो बात करते हैं, वे देश के अपमान को अपना अपमान मानते, भारत का अपमान मानते हैं, और कहते हैं भारत राष्ट्र रूपी जहाज में यदि कोई छेद हो गया है तो आइए हम अपनी अस्थि मज्जा से उसको उसके डाट को भर दें, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दें, लेकिन कभी भी आलोचना, भारत की कभी आलोचना न करें, हम कभी उपदेश न दें, बल्कि कर्म करें, अपने कर्म से इसे महान बनाएं। यदि हम कैसा भारत कहते हैं, भारत का भी, भारत में भी एक आत्मा विद्यमान है, भारत की भी अपनी एक आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा होती है उसी तरह भारत की भी एक आत्मा है। हर राष्ट्र का अपना एक मूल धर्म होता है, मूल आत्मा होती है, और विभिन्न राष्ट्रों का अलग अलग मूल धर्म है, उसी तरह भारत का भी मूल धर्म अलग है। और कहते हैं कि मन की शांति और सुख का धर्म ही भारत की मूल आत्मा है। हमको वैभव या संपन्नता नहीं चाहिए। क्या वैभव और संपन्नता, क्या अमेरिका वैभव और संपन्न होने के बाद भी क्या वहां के युवक और वहां की युक्तियां उच्च आदर्शों को केवल धारण करते हैं? क्या अमेरिका वासी कभी भी लक्ष्य विहीन नहीं होते हैं? क्या संपन्नता ही हमको अजर अमर बनाती है? वे कहते हैं इसके लिए हमको अपने मूल में जाना होगा, अपने मूल में देखना होगा, अपने प्राचीन इतिहास को देखना होगा, अशोक को देखना होगा, चंद्रगुप्त को देखना होगा, कनिष्क को देखना होगा, राम को देखना होगा, कृष्ण को देखना होगा, बौद्ध को देखना होगा, जैन को देखना होगा, और वैदिक युग को देखना होगा। महान आदर्श उस समय उपस्थित हुए थे, अतीत के गौरव थे, यह अतीत के गौरव हजारों वर्ष तक, वे कम से कम कहते हैं 3000 वर्ष तक हमें उच्च शिखर पर रखे। हमारी औन्नति कैसे हुई, हमारा पतन कैसे हुआ,
क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे खोजने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है। क्या हम इसे जान पाए हैं, इसे समझ पाए हैं? और इस को समझते हुए हमें इस युग के, आधुनिक युग के उपलब्धियों को भी ध्यान में रखना होगा। वह आधुनिक युग की उपलब्धि है साइंस और टेक्नोलॉजी, इन्हें भी उस युग की उपलब्धि के साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या हम पाश्चात जगत की अंधी दौड़ में तो अपने को शामिल नहीं कर ले रहे हैं। उस पाश्चात जगत की अंधी दौड़ में शामिल हो जाने से, अपनी शिक्षा, अपनी समझ को उसी अनुरूप बना लेने से, क्या हम उनसे हम आगे हो पाएंगे? क्या हम 3000 वर्ष तक जो गौरवशाली इतिहास मारा रहा है उसे पुनः स्थापित कर पाएंगे? उसका उत्तर हमेशा उन्हें ना ही मिला, नहीं, कभी नहीं, किसी भी तरह नहीं। पाश्चात्य पीछे के पाश्चात्य दौर देशों के दौड़ में शामिल होके हम कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम अपने मूल को खो बैठेंगे। इस बात को गांधी जी ने हिंद स्वराज में बड़ी अच्छी तरह व्यक्त किया है कि हम हमेशा दूसरे सभ्यता को स्वीकार करेंगे तो द्वयम दर्जे के ही रहेंगे, कभी भी हम प्रथम नहीं हो पाएंगे। द्वयमता हमारी लिए हानिकारक होगी। ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो एक ऐसा भग्नावशिष्ट है जो खंडहर रूप में तब्दील हो गया है, लेकिन उसकी इमारत उस खंडहर के माध्यम से दिखाई देती है कि कितनी बृहद और विशाल रही होगी। उस खंडहर में कितने अमृत के बीज छिपे रहे होंगे। वे कहते हैं इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे खोजने की जरूरत है। सामान्य सा उदाहरण देते हैं, यदि तुम कोट बनाते हो, बीसियों तरह का कोट बनाते हो, तुम्हारे कोट कोई चुरा ले जाता है, क्या तुम चुरा दिए जाते हो? धनी व्यक्ति के घर चोरी हो जाती है तो क्या चुरा लिया जाता है? विद्वान के घर उसके सारे किताब कापी चुरा लिए जाते हैं तो क्या उसे चुरा लिया जाता है, उसे समाप्त हो जाता है? नहीं, वे कहते हैं कभी नहीं हो सकता। उसी तरह भारत के में भी नहीं हो सकता। यह भारत की जो संस्कृति है वह अजर अमर है। भले ही लाखों लोग काल कलवित हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें, इस नाश में भी, इस पराभव में भी अपने को श्रेष्ठ धन रूपी संस्कृति खोज सकते हैं। वे कहते हैं दूसरे राष्ट्रों से कहीं उन्हें ज्यादा धन हिंदू जाति ने दिया है। विश्व को हिंदू जाति ने सब कुछ दिया है और इस जाति की सजीवता रही है इसका धर्म होना, धर्म निष्ठ होना। ये कहते हैं रोम को देखो, रोम का मूल क्या था? साम्राज्य विस्तार। यूनान का मूल क्या था? बुद्धि। इसी तरह आधुनिक स्पेन को देखो, साम्राज्य विस्तार छीन लिया गया, नष्ट कर दिया गया, रोम नष्ट हो गया। बुद्धि के बल पर यूनान को नष्ट कर दिया गया क्योंकि इसका मूल था। आज स्पेन के साथ भी हो रहा है, लेकिन धर्म, भारत का मूल धर्म है और उस धर्म के द्वारा पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ है और इसी कारण हम विश्व राष्ट्र के लिए एक थाथी हैं, एक ध्येय हैं, एक उद्देश्य हैं। हम बलशाली आज भी बने हुए हैं, अंधविश्वासों के बावजूद, घृणास्पद राष्ट्रीय जीवन धारा के बावजूद,
हमारा राष्ट्र कभी भी दूसरे राष्ट्र को पराजित करने के बारे में नहीं सोचेगा। हमने कभी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया है। और मैं तो धर्म की व्याख्या यहां नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोग धर्म की व्याख्या उनकी पढ़िएगा, कहीं उनका यह धर्म, कहीं भी यह अंधविश्वासों से परिपूर्ण धर्म नहीं था। उनका धर्म वह धर्म था जो जीवितता में विश्वास करता था और कहते थे भारत पुरुष अभी भी जीवित है, इसलिए आशा अभी भी जीवित है। और धर्म को जीवंत मानते थे, धर्म को निर्भय मानते थे, धर्म को प्रेम मानते थे, धर्म को निस्वार्थ मानते थे। और कहते थे इसी धर्म के द्वारा हम एक नया सृजन कर सकते हैं। एक छोटी कहानी आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो अपने छात्र जीवन में पढ़ा था, एक लड़की की कहानी है। उसका कहीं पेपर में प्रकाशित हुआ था, मेरे मन मस्तिष्क में आज भी है। एक लड़की थी, उसके पिता बहुत गरीब थे, वे एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो धनी थे उनके संपर्क में आते हैं और उनसे उधार लेते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। वह धनी व्यक्ति जो होता है बहुत ही लालची होता है और कुटिल होता है। जब वह गरीब व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के बाद धन संग्रह करके उनके उधार को चुकता नहीं कर पाता, तो वह वृद्ध और कुटिल व्यक्ति उनसे उनकी बेटी का से विवाह का हाथ मांगता है। और बेटी के विवाह के लिए बाध्य करता है। बाप की इच्छा नहीं होती है, बेटी की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन वह अपनी शर्तों से बंधे होते हैं, क्योंकि उधार भी इसी शर्त पर दिया था कि उधार चुकता नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी बेटी का हाथ मुझे देना पड़ेगा। बेटी इस बात को स्वीकार करती है, ठीक है, और वृद्ध से कहती है कि हम आपसे शादी करने को तैयार हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। एक हाथ में काला कंकड़ होना चाहिए और एक हाथ में सफेद, और यदि मैं काला कंकड़ को छूंगी तो शादी आपसे, और सफेद को छूंगी तो नहीं, काला कंकड़ को छूंगी तो शादी मुझसे नहीं होगी और सफेद को छूंगी तो शादी आपसे होगी। वृद्ध व्यक्ति कहता ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, मेरी भी एक शर्त है कि मैं वो कंकड़ मेरे हाथ में होगा। दोनों जानती हो कि वो बहुत कुटिल है, और वो वृद्ध व्यक्ति दोनों हाथ में सफेद कंकड़ लेके आता और उन दोनों हाथ में सफेद, उसे बड़ा अभिमान होता है कि जो भी छुएगी सफेद ही छुएगी, शादी तो मेरा होना तय है। और उस लड़की ने एक हाथ, जैसे ही उसके एक हाथ को टच करती है और जैसे ही वो खोलता है, उसी समय वो झटके से उसके हाथ को ऐसे उसके ऊपर गिरती है कि वो कंकड़ उस जमीन पर गिर के बिखर जाता है, विभिन्न कंकड़ों में मिल जाता है। और दूसरे हाथ में केवल वह कंकड़ बचता है जो सफेद होता है। इसका मतलब कि काला कंकड़ गिर गया, काले कंकड़ को उसने छुआ, ये जानती है। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि उस लड़की ने विवेकानंद को पढ़ा था, और विवेकानंद को पढ़ने के बाद उसने पाया था कि सीमा से परे जाके समझने की क्षमता या सृजन करने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो गई थी। कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम विवेकानंद को पढ़ के और उनके ज्ञान को, उनके संदेशों के माध्यम से हम उस समस्या को हल कर सकते हैं जहां सारी सीमाएं क्षमताएं हमारे सोचने की समाप्त हो जाती है और अपने को, अपने परिवार को उस वृद्ध व्यक्ति से बचा निकलती है। और ये बात विवेकानंद के जीवन से कौन अच्छा बता सकता है कि उन्होंने अंधविश्वासी भारत को बाहर कैसे निकाल लिया, अपने उस
सीमा से परे सोचने और सृजन करने की क्षमता के कारण। शायद हम इसे किताबों में नहीं पा सकते, जितना हम महापुरुषों के अनुसरण द्वारा पा सकते हैं। और हम एक शिक्षाविद होने के कारण हम शिक्षा पर आज हमने कोई बात नहीं किया, लेकिन हम देखें तो मैंने पूरा का पूरा शिक्षा पर ही बात किया। शिक्षा के अतिरिक्त मैंने कुछ भी बात नहीं किया। विवेकानंद को बस मैंने ग्राह्य किया। विवेकानंद ने कहा था कि किताबों के रटने से, पढ़ने मात्र से तुम विद्वान नहीं होगे। बहुपठित तो हो सकते हो, लेकिन विद्वान नहीं हो सकते। यदि तुम्हें सीमाओं से परे जाके सोचना होगा, दुनिया को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा, नए ज्ञान को खोजना होगा, तो निश्चित रूप से उसमें तुमको कर्म करना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा। और जो शिक्षक न हो पाया वो विश्व गुरु हो गया, विश्व को शिक्षा दिया, और आगे आने वाली शताब्दियों तक वो शिक्षा देता ही रहेगा। निश्चित रूप से हम ऐसे विवेकानंद के सामने नतमस्तक होते हुए हैं कि वो उनकी शिक्षा हमारे लिए अजर अमर हो जाएगी, क्योंकि उनकी शिक्षा हमारे प्राचीन मूल जड़ों से जुड़ी हुई। और हम जानते हैं यह जड़ जो है वह एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है। इसको, इस जड़ को निर्मित करने में अनगिनत लोगों का योगदान रहा है। करा से, कंदराओं से, रजवाड़ों से, गरीबों से, विभिन्न विद्वानों से कई लोगों ने इसे जोड़ा है, और इस जोड़ से ही भारतीय संस्कृति खड़ी हुई है। और हमें लगता है कि हम इन्हीं चीजों को अपने अगली कड़ी में शिक्षा के साथ जोड़ेंगे और शिक्षा दर्शन के रूप में देखेंगे, तो हम इस मूल भाव को, विवेकानंद के मूल भाव को ले जाएंगे। हम विवेकानंद जी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा कही हुई एक कहानी को सुनाना चाहते हैं। यह कहानी उपनिषद में वर्णित है और विवेकानंद जी बड़े चाव से सुनाते थे। एक शावक था, शेर का बच्चा, किन्हीं कारणों से अपने माता पिता से बिछड़ गया। माता के गर्भ से वह संसार में जब आया तो माता के प्राण बेरुख हो गए और पिता फिर लौट के ही नहीं आए। और पिता भी संभवतः किसी समस्या में फंस गए, और पिता के न रहने से वह धीरे धीरे एक भेड़ों के झुंड में जा मिला, उन भेड़ों के साथ रहने लगा। और भेड़ों के साथ विचरण करते करते बड़ा हो गया। वो भेड़ों के साथ घास खाता था, भेड़ों की भाषा में बात करता था, भेड़ मे कहते थे, वो भी मे कहता था। एक दिन एक सिंह उस जंगल में आता है और देखता है कि मेरे ही जैसा एक शेर जो है वो भेड़ों के साथ विचरण करता है, मैं तो शिकार करता हूं उसे, वो भेड़ों के साथ है, ये कैसे हो सकता है। कई बार देखता है और उसे जाके बताता है। वो उसे देख के सिंह को भागता है भेड़ों के साथ। एक बार वो सिंह उसे जाके पकड़ लेता है और पकड़ के उसे एक नदी के पास ले जाता है, और नदी की निर्मल जलधारा में उसका उसे साक्षात्कार कराता है। और वो उस साक्षात्कार में देखता है कि जैसा वो सिंह है वैसा वो भी है। बार बार देखता है, उसे बोलने के लिए कहता है, वो मेमे मेमे करने लगता है,
और सिंह जो होता है एक गर्जना करता है और उस गर्जना को उसे करने के लिए कहता है। जैसे ही वो गर्जना करता है उसके अंदर से भी वो गर्जना निकलने लगती है और उसके अंदर से वो भाव निकलने लगता है और कुछ ही देर में वह अपने को पहचान लेता है। हम भी एक मनुष्य होने के नाते हम अपने को पहचान ही नहीं पाते हैं। किताबें शायद हमें पहचानने नहीं दे रही हैं। हम कई लोगों से अपने जीवन में मिले हैं, कक्षाओं के भी माध्यम से और सामाजिक क्रियाकलापों के भी माध्यम से। बुजुर्ग व्यक्ति से भी पूछते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या रहा, तो शायद वो भौतिकता में ही उलझा रहता है और कहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य नौकरी पाना, युवा है तो नौकरी, बुजुर्ग है तो शादी ब्याह कर देना, बच्चे बच्चियों का मकान बना लेना, प्रौढ़ है तो, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। इसी तरह की भौतिकता से चीज़ों को प्रश्न उठता है। जब वही भेड़ के रूप में सिंह से पूछा जाता है हु आर यू, तुम कौन हो, उसका उत्तर उसके पास नहीं होता है। और निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद ऐसे ही शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि जिससे व्यक्ति अपने को पहचान ले, अपना आत्म साक्षात कर ले, ऐसी ही शिक्षा श्रेष्ठ कर है। इस शिक्षा के माध्यम से ही हम अपना और अपने समुदाय, अपने राष्ट्र और अपने विश्व का कल्याण कर सकते हैं और उसे मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं, अपने भी मुक्ति का द्वार और विश्व के भी मुक्ति का द्वार। हम देखते हैं कि निश्चित रूप से इनके माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। और मैं एक बार पुनः प्रतिष्ठित शिक्षा के बारे में आज नहीं बोला, लेकिन मेरा निवेदन डॉक्टर सोमू सिंह जी से हमेशा रहेगा कि वे शिक्षा के विषय पर व्याख्यान के लिए मुझे पुनः अवसर देंगे, जिससे मैं इस स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को इन संदेशों के माध्यम से मैं जोड़ पाऊंगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि जो शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा है ही नहीं, वह शिक्षा के नाम पर कुछ हमने सूचनाओं को दे रखा। और विवेकानंद जी के इस अध्ययन को पूर्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनका अध्ययन इतना विशाल और विस्तृत है, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व की शिखाएँ इतनी लंबी और इतनी फैली हुई हैं कि उन्हें समेटना मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनकी बातों को, विशेष करके आज की बातों को हम समाहित करते हुए अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आपकी ऊर्जा बढ़े, ऐसी शिक्षा हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और ऊर्जा के तीन स्रोत होते हैं, दो स्रोतों से तो आप परिचित हैं, लेकिन विवेकानंद को यदि आप जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से उस तीसरी ऊर्जा को पा पाएंगे। पहली ऊर्जा जो है वह दैनंदिनी ऊर्जा है, जो डेली एनर्जी हमको देती है, प्रतिदिन की एनर्जी देती है। हम सुबह से लेकर शाम तक अपना कार्य करते हैं और अपनी एक निश्चित समय तक पूर्ण करने के बाद रात्रि को थक जाते हैं, सो जाते हैं। ये दैनंदिनी ऊर्जा है और अगले दिन फिर वह दैनंदिनी या डेली एनर्जी जो है हमारे साथ, हमारे लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम थके हैं, काम दिन भर का पूर्ण कर लिए, नींद आ रही है, कोई घटना सुनते हैं, बहुत थक गए हैं, चलने का मन नहीं है। उदाहरण के तौर पर
यदि कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाता है सड़क पर, हम दौड़ने लगते हैं, भागते हैं, खूब तेजी से भागते हैं उसे बचने के लिए। यह आपातकालीन ऊर्जा है, इसको भी हम महसूस करते हैं परीक्षाओं में, विशेष स्थितियों में, विभिन्न कार्यक्रमों में। यह आकस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर प्रकट होती है, हम दैनंदिन जो ऊर्जा है, डेली की ऊर्जा है, उसमें से आगे बढ़ के हम इस आकस्मिक ऊर्जा के माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। लेकिन एक तीसरी ऊर्जा है जिसको हम समझ नहीं पाते। यदि हम उसे समझ लें तो हमारी दैनंदिन और आकस्मिक ऊर्जा उसमें समाहित हो जाएगी, हम कभी थकेंगे ही नहीं। वह है वैश्विक ऊर्जा या आध्यात्मिक ऊर्जा। इसमें हमेशा आदमी तरोताजा होता है, इसमें उसके कार्य करने की क्षमता हमेशा विद्यमान होती है और वह जब चाहता है, जैसा चाहता है, वैसा सृजन कर सकता है। यह सृजन हम अपने आदर्शों में देखते हों, वो स्वामी विवेकानंद हो, गांधी हो, अरबिंदो हो, दयानंद हो, जितने भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, तिलक हो, गोखले हो, सब में हम देखते हैं। और इस ऊर्जा को प्राप्त करने का बहुत ही सरल मार्ग है कि हम स्वामी जी को जाने, समझें और उनसे शिक्षित हो जाएं, तो हम इन ऊर्जाओं को या इनमें से किसी भी पर्सनालिटी को खूब बखूबी जान जाएंगे, तो उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे। आपने हमें सुना, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं। आपने यह अवसर मुझे दिया, क्योंकि यह अवसर से मैंने एक बार पुनः विवेकानंद जी को अपने हृदय में समाहित करके उन्हें भाव व्यक्त किया और मेरा हृदय उन्नत हुआ, तो निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के प्राप्त के, और विशेष करके डॉक्टर सोमू सिंह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि जो इन्होंने ऐसा प्लेटफार्म खड़ा किया है कि सुनने वाले को भी अवसर मिल रहा है और सुनाने वाले को भी अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं स्वामी जी के उस भाव से इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिस भाव में उन्होंने निस्वार्थता का उपदेश दिया था और कहा था यदि हम निस्वार्थ तरीके से त्याग करेंगे, लोगों में बांटेंगे, वह बांटना इतना सफल रहेगा कि उसकी इतिहास तो लिखे ही जाएंगे और निश्चित रूप से यह इतिहास हमें हमेशा मार्गदर्शित करते रहेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को और उन वक्ताओं को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो इसके पहले इस माध्यम से बोल चुके हैं, अपने कंठ की प्रस्तुति कर चुके हैं, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे भी अपना बहुमूल्य समय दिए और हमें और आपको भी कहीं ना कहीं इससे एक साथ एक परिवार के रूप में उन्होंने जोड़ा। और आने वाले बहुत सारे लोगों को भी मैं उन अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ कि वे इसमें इस चैनल इस ग्रुप से जुड़े और श्रवण और मनन निधिध्यासन करते रहें। धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न आपके हो तो हाँ, निश्चित रूप से आपने लिखा है ब्राह्मण इज ए नॉट ए कॉस्ट, इट इज ए अचीवमेंट। यस, दिस इज राइट, अचीवमेंट उपलब्धि है।
और सभी लोगों को ये उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए। यदि कोई प्रश्न हो आपके, मैं इनवाइट करता हूं। यस, निश्चित रूप से सिद्दकी साहब लिखते हैं कि स्वामी जी उनके स्कूल के दिनों से ही आइडियल रहे हैं। निश्चित रूप से स्वामी जी किसी भी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनका उनका धर्म मानव कल्याण है। जो भी मानव है उनमें समाहित है और वह किसी भी तरह के बंधनों से मुक्त व्यक्ति को कर देते हैं और स्वतंत्रता के मूल को व्यक्त करते हैं। निश्चित सिद्दकी जी, थैंक यू। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी मेरे साथ, हम लोग कल साथ में पढ़े हैं एक ही कक्षा में, साथ ही धन्यवाद देता है तो अच्छा लगता है। लगता है आपके प्रश्न, दिखाई नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से ठीक, प्रश्न कहीं दिखाई मुझे नहीं दे रहे हैं। आपके धन्यवाद ही ज़्यादा आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग स्वामी जी के, मैंने डॉक्टर सोमू जी से मैंने निवेदन किया है कि हमको चार अवसर दें स्वामी जी को बोलने के लिए। आज पहला उनका संदेश था, दूसरा भारत को अवदान, और तीसरा है शैक्षिक दर्शन स्वामी जी का, और चौथा है वर्तमान समय में उनकी उपादेयता। ये चार मैंने, इन चारों में भी बांधना उन्हें मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ तक हम शिक्षा के जो हम लोग अधिगम करता है, शिक्षा को सीख रहे हैं, उसके लर्नर्स हैं, हमारे लिए उपयोगी होंगे। हम भी बहुत कुछ अभी जानेंगे समझेंगे, और निश्चित रूप से मुझे से कोई बोलने में त्रुटि हुई हो, कहीं मैं कुछ छूट गया हो तो क्षमा करेंगे। और मैंने अपने आज के का वक्तव्य जो है वो किताबों से हट के या किसी बिना तैयारी के दिया है। मैंने कोई विशेष, क्योंकि मैंने जो उन्हें अपने जीवन में छात्र जीवन से लेकर आज तक जो पढ़ा है उसको ही अपने शब्दों में केवल व्यक्त कर पाया हूँ, इसलिए कि मैं दिल से या उनको जो आत्मा से समझा है उसी के रूप में भाव व्यक्त किया है। तो निश्चित रूप से यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे, और अगले समय मैं अगली बार हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद आप सभी।